यही मैं उन्हें भी। लव कर देंगे अच्छा, अभी इसमें मैं आपको कंप्यूट वेरिएबल्स का ना, बेसिकली जब आप राइट फ्रॉम द डेटा एंट्री स्टेप ये कर लिया जाता है, आई वाज जी। एक्सपेक्टिंग कि शायद वो हुआ हो, लेकिन मैं भी शायद उसको ओवरलुक कर गया उस वक्त। मैं भी आपके सामने एक परफॉर्म कर देता हूँ। इसमें जो आपका इशू है ना कि वेरिएबल्स की आइटम्स वो सेपरेट शो कर रहा होता है, वो आप एक आइटम देते हैं तो वो आपको लगता है कि यार ये तो एक वेरिएबल की 5 आइटम्स, ये जी आपका इशू जी था। इसको आम जुबान में कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक अक्सर इस तरह होता है जी कि वो स्टूडेंट से पूछते हैं जी आपने डेटा ट्रांसफॉर्म किया है, तो ऑलमोस्ट सभी ने किया ही होता है लेकिन वो पता नहीं होता, पूछ रहे जी ट्रांसफॉर्म किया है जी। हाँ हाँ ये कंप्यूट वेरिएबल तो बेसिकली उसका पाथ है ना, एक ऑप्शन का नाम है कंप्यूट वेरिएबल, तो वो है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सारी आइटम्स का, या आइटम से मुराद क्वेश्चंस, एक आइटम्स का मीन वेरिएबल, हाँ आइटम्स या फैक्टर्स, ये यूज होता है आम जुबान में क्वेश्चंस, रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में उसमें उसे फैक्टर कहा जाता है, या जी एकेडमिकली उसको आइटम्स भी कहा जाता है, लेकिन फैक्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो कि रिसर्चर्स यूज करते हैं। यानी जी एक वेरिएबल के 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कह ले आपको बिल्कुल सादा जुबान में, तो उन 6 क्वेश्चंस को का मीन इकट्ठा कर लिया जाता है, कंप्यूट कर लिया जाता है ताकि उसका अफेक्ट इकट्ठा हम देख सकें। बिल्कुल अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन है जी आपकी ट्रांसफॉर्म में आएंगे, इस प्रोसेस को जैसे मैंने बता दिया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूट वेरिएबल की आप ऑप्शन में आएंगे। जी अच्छा, बिल्कुल उसके बाद ये आपको कुछ मेरे वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, जेंडर, एज, एजुकेशन एट्सेट्रा, ये तो है डेमोग्राफिक्स वेरिएबल। हमने चूंकि सारा प्ले करना होता है आईवीज और डीवीज के साथ। अभी ये जी मेरा जो आपको मैं बताऊं, ये मेरा है सोशल एक्सपीरियंस के नाम का एक वेरिएबल है, ये 1 से जी लेके 7 तक इसकी आइटम्स हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए ये क्वेश्चंस। अच्छा, इसके लिए जो हमने करना है, इन सब को SE1 से लेके SE7 तक एक वेरिएबल है बेसिकली, तो अब हमने इसको कंप्यूट कर देना इनटू वन फॉर्म, और SPSS को हम कह देंगे कि हमें इसकी एवरेज बता दो, सबकी एवरेज, ठीक ताकि मीन उसको मीन बता दो। हाँ, तो ये टारगेट वेरिएबल में आप कोई भी नाम अपनी आसानी के लिए रख सकते हैं, बेशक आप अपने ओरिजिनल वेरिएबल का नाम लिख दें लेकिन स्पेस नहीं आपने इसके दरमियान देनी। मैं इसको कह ठीक देता है हूँ जी, हाँ जी, सोशल एक्सपीरियंस का मैंने इसका नाम लिख दिया, स्पेस देंगे ठीक तो वो उसमें एरर दे देगा। अच्छा, वन ठीक थिंग, उसके बाद हमने वन बाय वन वी हैव टू सेलेक्ट एवरी आइटम, एवरी क्वेश्चन, एवरी फैक्टर, उसको हम इस साइड पे ले आएंगे। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस एंटर कर दी, पहला वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, देन प्लस ठीक वही जो सिंपल मीन लेते हैं, प्लस 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 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। राज भाई, ये मैंने अभी ये इस तरह किया था, उसमें ये था कि आप ये फंक्शन ग्रुप जो है ना सामने, इसमें आप ये नीचे थोड़ा सा जाएं तो वहां पे जरा स्टैटिस्टिक्स आएगा। जी स्टैटिस्टिक्स आएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ स्टैटिस्टिकल पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये नीचे आएगा मीन। हाँ बेशक, इस तरह कर लीजिए, दिस इज हाँ आल्सो मैंने मीन। इसमें किया, बीच में प्लस नहीं डालना, मैं कॉमा, बीच में कॉमा इसमें आते हैं। नहीं, वो और तरफ ले जाएंगे। मैं आप ना, वो इस तरीके में ना जाइए, वो और सेंस में, वो नया वेरिएबल बना देता है, जिस तरह एक मेरी वो बनी हुई थी ना। जी हमने लेना है सिंपल मीन, सिंपल ठीक मीन लेके वो मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। जो आपका जो कंसर्न है ना, या जो हमारा जी MS का कंसर्न है, वो नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना हमने, वो आप जो ठीक कामा डाल, आप इन ऑप्शन पे ना जाइए, वैसे इन ऑप्शन से भी वो आ जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके उसमें बता ही नहीं रहा कुछ ठीक ज्यादा स्टेप्स में। ठीक है ठीक है, SE2 आ गया, फिर ऐड कर दिया SE3, ये आ गया जी, फिर हमने फिर ऐड तक पे क्लिक किया, SE4 को ले आए, फिर ऐड को क्लिक किया, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को ले आए, फिर किया SE6 आ गया जी, फिर ऐड किया, और आखिरी हमारी आइटम, आखिरी क्वेश्चन था इस वेरिएबल का, SE7। अच्छा, ठीक है अब मीन किस तरह से निकलता है,
कि जितने क्वेश्चंस हैं डिवाइडेड बाय नंबर, ये निकलते ना मीन सेवन डिवाइडेड बाय सेवन. अगर आपके पांच क्वेश्चन है तो डिवाइडेड बाय फाइव, दस है तो डिवाइडेड बाय दस. तो डिवाइडेड बाय ये डिवाइड का हमने ये सिंपल डाल के सेवन कर दिया. अच्छा अब जब हम इसको क्लिक करेंगे ओके करेंगे ना जी, आपने राइट साइड में नहीं जाना अभी, क्योंकि उसके फिर गलती के चांसेस हो जाते हैं कामा और वो बेसिकली स्टैट के स्टूडेंट को ज्यादा. हमने सिंपल उसको एक लेमैन तरीके से करके डिवाइडेड बाय सेवन, सेवन मैंने इसलिए किया कि मेरे टोटल क्वेश्चन सेवन थे. ठीक है जब हम इसे ओके करेंगे ना, ये एक इसने नई आउटपुट विंडो आपको शो तो नहीं कर रहा होगा, कि कर नहीं कर रहा होगा, आगे आ जाएगा. आ गया. अच्छा अब इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि हम अपने वेरिएबल व्यू में अगर आ जाएं दोबारा, तो सबसे नीचे देखेंगे जो मैंने लिखा था ना सोशल एक्सपीरियंस, उसके नाम का ये वेरिएबल नीचे आ गया. ठीक है फराज, ठीक हो गया जी. अच्छा इसके बाद आप जब दोबारा अगर उसमें आएंगे ट्रांसफॉर्म में, इसी तरह आपने दूसरे वेरिएबल को भी कर लेना है. लेट्स सपोज मैं आपको दो वेरिएबल करके, तीन वेरिएबल करके ना फिर उनका एक रिलेशनशिप बता दूं. ये हमने कर लिया. अब हमारा इन सब को हम इधर से इसी तरह रिमूव कर देंगे. इसमें अब हमने लिखना है दूसरा वेरिएबल, वो हमारा स्टार्ट होता है ये है बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस से. मैं इसको हेल्थ वेरिएबल लिख देता हूँ जी दूसरा. अच्छा जी ये है, इसके भी आइटम सेवन है हमारे पास. ये हमने दोबारा पैरेंथेसिस एंटर की, पहला वेरिएबल ले गए प्लस दूसरा ले गए एंड सो ऑन. ओ सॉरी एच एफ टू तक, हाँ जी प्लस एच एफ थ्री आ गया, प्लस फोर आ गया, प्लस फाइव आ गया. आइटम मिस ना कोई करिएगा आप ना. एच एफ सिक्स आ गया और सेवन आ गया. अच्छा पैरेंथेसिस क्लोज, ये भी चूंकि वो है सेवन ही है तो इसको भी हम इसलिए डिवाइडेड बाय सेवन कर देंगे. अच्छा ये कर दिया, ओके कर दिया. अब हमारा एक और वेरिएबल नीचे बन चुका होगा. ठीक है जी इसी तरह मैं तीसरा कर देता हूँ एक और. ये हमारा हेल्थ का वेरिएबल आ गया जी. थर्ड वन के लिए फिर हम उसी तरह रिपीट कर लेंगे सारा प्रोसेस. इसको बेशक आप बैक क्लिक कर दें इस तरफ, या वैसे आप सिंपल उसको बैक स्पेस से कर दीजिए. अच्छा अब मैं इधर ले आता हूँ आपको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल. ये दो मेरे बेसिकली मेरे ये चार पांच आईवीज हैं, उनकी बजाय मैंने अब डीवी पे आ गया. अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं सिंपल डिपेंडेंट कर देता हूँ. अच्छा डीवी डीवी वन को हम ले आए प्लस, ये इसके तीन ही क्वेश्चन थे डी वी टू प्लस डी वी थ्री की जो थर्ड आइटम थी. थर्ड आप ना प्रेजेंटेशन वगैरह में या राइटअप में ना फैक्टर के वर्ड यूज़ करिएगा कि जिसके सारे ये हमने फैक्टर का मीन लेके तो हमने एक अलहदा वेरिएबल बना लिया जो उनका कंबाइंड मीन था, रेदर देन के सारे क्वेश्चन का वर्ड आप यूज़ करें या सारे आइटम फैक्टर का वर्ड यूज करें. अच्छा डिवाइडेड बाई इसमें हम थ्री कर देंगे जी. कंप्लीट हो गया ना वो. ठीक है ओके कर दिया. तो अब हमारा ये हम वेरिएबल व्यू में जब जाएंगे तो वी हैव अनदर वेरिएबल जो कि डिपेंड. अब जो हम दोबारा जी जी फराज भाई ये इस तरह तो ये समझ आ गया है कि ये इनका कंप्यूट वेरिएबल करके जो है इनकी वो मीन वैल्यूज निकल आएंगे. ये मल्टीपल ये एक मिनट रिग्रेशन में आप आके लीनियर रिग्रेशन में आना एनालाइज में आगे हम आगे रिग्रेशन में आगे लीनियर में आगे जी राज भाई यहाँ पे असल में यहाँ पे अब एंड पे जाएंगे हम तो यहाँ से अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो डिपेंडेंट पे वो तो सामने नजर आ रहे हैं. इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट डाल देंगे और डिपेंडेंट में डिपेंडेंट डाल देंगे. जो जब मीडिएटर वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट पे जो चेक करेंगे तो वो मीडिएटर जो है वो इंडिपेंडेंट में आ जाएगा. वो काउंट हमने इंडिपेंडेंट में करना है क्योंकि उसका अफेक्ट हमने देखना है ना जी. तो वो एज हमने उसकी उस रिलेशनशिप का बताना है कि वो मीडिएटर में जब हम लेते हैं तो डिपेंडेंट के साथ उसका क्या आएगा, वो भी इसी बॉक्स ठीक है आएगा.
वो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं बनाया था ना लास्ट टाइम, वो इस बात में आता है, लेकिन वो अभी हमें इसके लिए जरूरत नहीं है, वो और तरह की रिसर्च की वो टाइप चेंज हो जाती है डेटा की। और इंडिपेंडेंट का मीडिएटर पे इफेक्ट जो चेक करना है, तो वो इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट और मीडिएटर जो है वो फिर डिपेंडेंट में आ जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट को आप फिर इधर रखेंगे, यानी आप उसमें अगर सेंस देखें ना कि किसका अफेक्ट हम किस पे चेक करें, इंडिपेंडेंट हमेशा इसी बॉक्स में रहेगा। ठीक है, ये और वहां पे जो डिपेंडेंट वाला है वहां पे मीडिएटर आ जाएगा, अगर मीडिएटर मीडिएटर आ पे इफेक्ट जाएगा। चेक करना चाह रहे हैं, और अगर हाँ डिपेंडेंट पे चेक करना चाह रहे हैं तो डिपेंडेंट उधर आ जाएगा। बिल्कुल, उनकी शफलिंग उस तरह आपके माइंड में जब एक वो सिनेरियो बन जाए, सेंस बन जाएगी ना कि इसका जी अफेक्ट चेक कर रहे हैं हम जिस, तो वो अकॉर्डिंगली फिर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में वो लिखते हैं। बिल्कुल फराज बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आ गया इसमें, क्योंकि हमें हमने डीवी में हमने इसको डाल दिया जी, और इन दोनों को हमने इसी तरह, अब हम अगर डिपेंडेंट और आईवी वो सॉरी मीडिएटिंग के ऊपर अफेक्ट चेक करना है तो हम इधर लिख देंगे, वो मॉडरेटिंग पे करना है तो वो इसके खाने में लिख, ठीक है सिर्फ वो आपके माइंड में एक सेंस होनी चाहिए कि अच्छा यार इसमें डिपेंडेंट मेरा कौन सा बन, आप समझ रहे हैं ना उसकी एक सेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। बाकी आपके यही दो होंगे। तो वो इसी तरह आगे हमने स्टेटिस्टिक्स में देख लेना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आगे उतना है, मॉडल फिट देख लें जी, आर स्क्वायर की वैल्यूज हमें चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन भी देख लीजिए, डर्बिन वाटसन देख लीजिए, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, ये वही सारे टेबल हमारे आ जाएंगे। ये फ्राज भाई ये इम्पोर्टेंट है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, अगर मैं आपको बताऊं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक इससे रिलेटेड होगा, मॉडल फिट, आर स्क्वायर, डिस्क्रिप्टिव और ये पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, अगर इनकी वैल्यूज ठीक हैं तो कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक को भी नहीं पूछ, इम्पॉर्टेंट इतना इम्पॉर्टेंट पहली फोर चार और ये डर्बिन वाटसन नहीं। पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशंस जो है इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज होती है? पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि किस हद तक वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन है, अगर तो डर्बिन वाटसन टेस्ट की वैल्यू 1 से 3 के दरमियान है तो ये पार्शियल कोरिलेशन भी नहीं होगा, पार्शियल कोरिलेशन होता है कि अगर उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है या 3 से थोड़ी सी ज्यादा है तो वो पार्ट एंड किसी हद तक उनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा होता है। मतलब अगर डर्बिन वाटसन की वैल्यू जो है 1 और 3 होगी तो पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा फिर ये वाला नहीं होगा, ठीक हो गई। इसी तरह इसको हम कंटिन्यू कर देंगे आगे, प्लॉट्स वगैरह नहीं बनाने होते इसलिए हम ऑप्शन को अमूमन नहीं लेते। तो ये आपके जो बेसिकली मेनली जो ये जो टेबल्स हमने एक्सप्लेन करने होते हैं वो एक क्रोनबेक अल्फा का होता है जो रिलायबिलिटी का है। हाँ जी, उसके उसके अलावा जो है वो उसका एनोवा टेबल होता है, वो भी आता है कोलिनियरिटी, शायद कोलिनियरिटी का एक टेबल होता है, और उसके अलावा एक और शायद होता है जिसमें ये आर स्क्वायर और ये सारी समरी टेबल आ जाते हैं ना, मॉडल समरी डर्बिन वाटसन वाला, बिल्कुल ये टेबल होता है आपका। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पहला टेबल आ गया। एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि ये जो मीन वैल्यूज है ना 4, 3 और 4, अगर आपका 5 point लिकर्ट स्केल है तो ये वैल्यू 5 से ऊपर नहीं होगी, 5 से नीचे ही होनी चाहिए, समझ गए? वैल्यू ये मीन की वैल्यू पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, ये वाली ये फ्राज में नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन ही नजर आ रही नहीं। अच्छा ठहरिए, ये मैं आपको इसकी भी शेयर करता हूँ, अब आ रही है जो आउटपुट स्क्रीन, अब जो आ रही है इसमें आप देखिए, पहला टेबल है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, इसमें उसने एक चीज मेन वो देखता है कि टोटल नंबर इसका हमें पता चल जाता है कौन कौन से वेरिएबल हैं और कितने कितने उनके आगे रिस्पॉन्सेज हैं, इसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि 161 इसका सैंपल साइज था, 161 लोगों से इसने डाटा लिया हुआ। दूसरा इसका जो अहम टेबल अब स्टार्ट होते हैं जिनमें राइट अप के लिहाज से या क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाता है वो ये है, पहला कोरिलेशन डायगनल में, इसका सिंपल तरीका है कि आप डायगनल में पहले तो देख लें, डायगनल मीन ये
कि क्या डायगनल में वन ही लिखा हुआ है, अगर तो वन है तो वो इसका मतलब है कि आपका डाटा इज ससेप्टिबल फॉर फर्दर एनालिसिस या इट्स एक्सेप्टेड, इट्स वैलिड फॉर फर्दर एनालिसिस। अच्छा, वेरिएबल एंटर और रिमूव, वो हमने उसमें ऐसा कोई रिमूव किया नहीं है, वो मैंने आपको बताया था इस बॉक्स में रिमूव या रिमूव कब करते हैं कि अगर हमारा कोरिलेशन बड़ा स्ट्रांग आ रहा है, यानी आपस में वेरिएबल्स का यहाँ पे अगर हमारी वन वन वैल्यू नहीं है ना, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि यार हमारी जो जो वेरिएबल्स बड़े कोरिलेटेड हैं आपस में, और नीचे डर्बिन वाटसन से भी हमें पता चल जाता है कि जो जो को हमारे मॉडल में कोई ये नहीं वो बताता कि कौन सा वेरिएबल निकालना है आपने, फिर आपको अपनी कह लें कि हिट एंड ट्रायल से किसी एक वेरिएबल को जिस पे आपको शक हो कि यार इसकी आइटम्स या इसके फैक्टर्स भी इन दोनों के आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप किसी एक को रिमूव कर देते हैं, वो इसमें आ जाएंगे एंटर्ड या रिमूव। तो ये अमूमन इसलिए चूंकि ज़रूरत नहीं होती, ये टेबल रिपोर्ट भी नहीं हम करते अनटिल और अनलेस कि हम कोई एंटर या वेरिएबल किसी को रिमूव करते हैं। मीन की वैल्यू जो आप बता रहे थे ये थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। जी जी, ये मीन की वैल्यू जो है ये 5 से नीचे होनी चाहिए वेरिएबल्स की। हाँ, ये अब ये इट डिपेंड्स, आपका स्केल अगर 5 पॉइंट है ना तो ये हमें बता, ये हमारी मैक्सिमम 5 या 5 से नीचे ही मीन रहना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, अगर 7 पॉइंट है तो ये 6 पॉइंट समथिंग 5-4 इस रेंज में मीन आना चाहिए, लेकिन स्केल से नीचे 5 पॉइंट है तो ये 5 से नीचे मेरी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है सर जी। अच्छा, ये कोरिलेशन का हमारा हो गया। फराज भाई जी, अच्छा फराज भाई, मेरा ऐसा है कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, आप मेरा टेबल देख लें। एक सेकंड जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा जी, नहीं बच्चा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। फराज भाई एक सेकंड जी, यू आर व्यूइंग शेयर स्क्रीन। फराज भाई, ये हम जो रिपोर्ट करते हैं टी वैल्यू, ये कांस्टेंट की, ये आप नीचे जरा कीजिएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट, ये टी वैल्यू जो लिखी हुई है 16.873 कोएफिशिएंट्स में, किस वाले टेबल में कह रहे हैं आप? कोएफिशिएंट वाले टेबल, कोएफिशिएंट वाले। हाँ हाँ, ये जी ये वाली रिपोर्ट करते हैं 16.873 जो कांस्टेंट के सामने होगी। नहीं नहीं, हमने इसमें ये टी वाली वैल्यू नहीं रिपोर्ट करनी, इनमें फंक्शन इनका एक ही होता है पी और टी, हमने ये सिग्निफिकेंस वाली वैल्यूज रिपोर्ट करनी है, जो पी वैल्यू है उसको। ये जो नंबर वन पे होगी या सेकंड या थर्ड पे? ये जो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, मतलब तीनों का जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो ये बता शो कर रहे। हाँ हाँ, एक ये इधर से भी शो करेगा, उसके बाद एनोवा में भी हमें ये F F वाले कॉलम के साथ शो करेगा। ये दो ठीक है, और ये 0.005 से नीचे होनी चाहिए। नहीं, 0.05, 00, 10। ठीक है ठीक। आप कह रहे थे टेबल का बताएं, वो शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल फराज भाई, आप मेरा देख सकते हैं, मेरा मेरा टेबल में मेरा स्क्रीन। नहीं यार, अभी तो नहीं कोई ऐसा दिखा रहा। यू आर शेयरिंग, शायद आपको अपना बंद शायद करना होगा। हाँ जी, मैंने भी मेरे नाम पे जुनेद पे। हाँ जी, अब दे रहा हूँ। हाँ, अब दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख। अच्छा फराज भाई, ये हमने बेसिकली किया था, वैसे तो हमने शायद हमने जैसे वो उमेर ने आपको बताया था ना, हमने मीन के साथ कंप्यूट वेरिएबल करके ना मीन फॉर्मूला के साथ फिर हमने बनाए थे अपने, तो ये मेरा कोरिलेशन आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा जो बीच में ना मेरे नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, मेरे दो स्केल है इरिटेशन ए और इरिटेशन बी, ठीक है, इसके नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं। तो मतलब ये आप क्या कहते हैं, मतलब इसको मैं निकाल दूं अपने ये अपने ये फ्रेमवर्क से? नहीं बिल्कुल भी आपने इनको नहीं निकालना। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो इरिटेशन ए मीन जो है ना, इसका कोरिलेशन परचेज इंटेंशन के साथ नेगेटिव में आ रहा है,
ठीक है जी। अच्छा और इसका एंटरटेनमेंट के साथ भी नेगेटिव में आ रहा है, एंटरटेनमेंट ए मीन। अच्छा ये आपने दोनों नाम सेम ये रखा। बेसिकली मैंने मल्टीपल मेरे सर आसिफ ठीक ने है ना कहा था, दो स्केल डालो जो ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। फिर ये आप कम ये वाला कर दीजिएगा, ये वाली निकाल दीजिएगा। कौन सा, ए या बी? मेरे सामने ये दोनों देखना, ये एंटरटेनमेंट ए मीन और एंटरटेनमेंट ए मीन, ये जो आपने दो रखे ना बिल्कुल ये, बिल्कुल, वो गलती से लेबल है, जो सेकंड वाला है वो एंटरटेनमेंट बी है। हाँ ये सेकंड वाला रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यूज देखें बड़ी आ रही हैं दोनों में ना, हाँ, इसको आप अच्छा निकाल अच्छा दीजिए। इसका तो मतलब एंटरटेनमेंट बी निकालू मैं? जी बी वाला, सेकंड वाला जिसमें अच्छा, बड़ी माइनस की वैल्यू है वो आप और फिर निकाल दीजिए। जो इरिटेशन ए और बी है, मतलब ये तो काफी बड़े, मतलब ये माइनस वैल्यू है तो मसला नहीं होगा? नहीं, ये बेसिकली पूरे ये एक आपस में ये पूरे मॉडल का नहीं बता रहा, ये इस वेरिएबल के हाँ साथ बता रहा है कि कोरिलेशन नेगेटिव में है, यानी कि बिल्कुल भी एज सच कोई डेटे के मुताबिक सॉफ्टवेयर इसको कह रहा है कि इनका आपस में कोई एज सच ताल्लुक नहीं बनता, ये दोनों अच्छा, वेरिएबल्स हाँ निकालने की जरूरत। जो मेन हमारा कंसर्न है ना वो है कि वेरिएबल्स का आपस में तो नहीं कोई रिलेशनशिप है, वो डायगनली में अगर हमारा वन आ रहा है ना तो दैट्स हाँ, नॉट बिग प्रॉब्लम। ये तब होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा यानी 10 या 10 से ऊपर चली जाए, पॉजिटिव वैल्यू भी मतलब -10 या ऐसे आप कह रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में 10 से ऊपर, मतलब 10 पॉइंट नेगेटिव, समथिंग। ये तो पॉइंट्स में, 0.1, 0.6 फॉर एग्जांपल, हाँ, ये आप कह बहुत रहे हैं होगी, अगर बहुत रो होगी। -10.something। हाँ, अगर बहुत बड़ी हो ना तो ये तो बिल्कुल हाँ, छोटी, ये तो ऑलमोस्ट कह लें 0 से थोड़ी सी आप आगे चले जाएं तो तो पॉइंट वन सेवन है। ये कोई इश्यू नहीं है वैसे? नहीं, ये अगर आपको मैं अपना डाटा भी दिखाऊं उसमें भी माइनस में कुछ वैल्यूज थी, जो मेरा था ना कोरिलेशन अच्छा, का उनमें भी थी। तो जब जितने वेरिएबल ज्यादा होते हैं ना तो उसमें इसका ये बेसिकली आता ना है। इसका बेसिकली मुझे ये डर है कि मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट तो नहीं होगा, ये इरिटेशन ए और मतलब इरिटेशन वाला जो मेरी वेरिएबल है मेरा। नहीं, हाइपोथेसिस रिजेक्ट या सिलेक्ट चंद एक वैल्यूज के ऊपर होता है जो ओवरऑल हमें बताती हैं, जिसमें बी वैल्यू आ जाती है, जिसको सिग्निफिकेंस, दूसरा वो डर्किंग तो ठीक मार्टिन है, की हाँ वैल्यू, हाँ वो वैल्यू ठीक है ना वो तो वो दूसरा। इरिटेशन का ना वो सब वैल्यूज ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस भी ठीक है, वो दूसरा डर्बिन वॉटसन, डर्बिन वाटसन भी ठीक है, और वो अल्फा वाला भी, वो क्रोनबैक अल्फा भी ठीक है। हाँ तो हम अब मेन हमने वही रिपोर्ट देखनी है, मेन उन्हीं अच्छा, को ही तो फिर रिपोर्ट अच्छा इसके करनी ऊपर मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जैसे जब मैं अपना थीसर डिफेंस दूंगा? है। नहीं, बिल्कुल कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे इसमें, बल्कि आप अगर कुछ शायद आपकी रिसर्च पेपर नजर से गुजरे हो ना, अगर उन्हें कोरिलेशन हाँ, दिया हो तो आप देखेंगे कि उनमें भी कई वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, लेकिन वो अच्छा डायगनली उनकी नहीं होगी, वो पॉजिटिव वन ही होगी, एग्जैक्टली अच्छा वन अच्छा होगी। अच्छा फराज भाई, आप ये बताएं कि मैं एक्सपर्टीज जो एंड में है ना, वो मैं ए सिलेक्ट करूं या बी वर्जन? सॉरी सॉरी, एक्सपर्टीज नहीं, जो एडवर्टाइजिंग वैल्यू है एंड में, दो एडवर्टाइजिंग वैल्यू ए और एडवर्टाइजिंग वैल्यू बी, इसमें से ज्यादा मेरे ख्याल में से एडवर्टाइजिंग वैल्यू बी का नेगेटिव ज्यादा बड़ा है। एक है माइनस इस एक के साथ है, ये दो वाली ये आप कह रहे हैं ना, एक्सपर्टीज मीन एडवर्टाइजिंग वैल्यू ए और ये एडवर्टाइजिंग वैल्यू बी, ये दो इन बिल्कुल पे मेरा कर सकते हैं। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, हाँ इसमें आप बी वाले को रिमूव कर दीजिए, लास्ट वाले बी वाला रिमूव कर दूं। जी, लास्ट वाला, ये दोनों अच्छा, मतलब और सेम। इरिटेशन में कौन सा हटाऊं मैं? ये वाला, इरिटेशन में भी आप ये फर्स्ट वाला हटा दें, इरिटेशन ए में फर्स्ट अच्छा वाला, ठीक हो गया। और आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट वाला भी पहला वाला मैं या दूसरा वाला हटाऊं? एंटरटेनमेंट वाले में जिसमें छोटी है माइनस कम है वो कौन वो गलती से मैंने दोनों ए लेबल कर दी है, मगर वो पहला ए और दूसरा बी हाँ है। आप दूसरे वाला रिमूव कर सॉरी दीजिए, ये वाला, दूसरे वाला रिमूव कर दीजिए। राज भाई, एक सेकेंड, एंटरटेनमेंट बी मैं रिमूव करूंगा, ठीक है,
और इरिटेशन इरिटेशन बी रिमूव करना है, हाँ बी करना है इरिटेशन में, और एंड वाला मैंने एंड वाला का भी बी करना है, एडवर्टाइजिंग वैल्यू का उसका भी बी, लास्ट वाले का भी बी, तीनों का बी बल्कि मतलब नहीं नहीं तीनों तीनों का नहीं, ये जो है ना इरिटेशन वाले का माइनस थ्री फोर, हाँ बिल्कुल उसका जो इरिटेशन वाले का है ना वो है हमारा हाँ, बड़ा ए वाला इरिटेशन ए वाला। अच्छा इसमें ए अच्छा, बाकी दोनों के बीच ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतर हो गया जी। अच्छा और हो गया, इसके अलावा बाकी टेबल्स वगैरह का आपको कुछ अगर इश्यू है बताइए। वो नहीं फराग भी अभी तो फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र अभी तो कोई नहीं, लेकिन अगर मसला आ गया तो इंशाल्लाह कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई इश्यू नहीं यार, आप अल्लाह का नाम ले से कंप्लीट रिपोर्ट करने की आगे तरफ जाएं कि कब तक है आपका टाइम। बस फराग भी ये 10 तारीख तक तुमने वो दिया हुआ है तो आप कोशिश कर रहे हैं एक दो दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसके अंदर ही कर लें। हाँ यार इसको राइट अप में लेके आए, अल्लाह खैर करे, आपकी वैल्यूज ठीक थी ऑलरेडी ही ठीक थी, और कोई ऐसा जिसमें तीन चार जो आपको उसके पैरामीटर बताए ना उनके अगेंस्ट आपके अगर वैल्यूज ठीक है तो नो इशू। ये छोटी छोटी जो है ना वो नेगेटिव इनको काउंट नहीं किया जाता, और अल्लाह खैर करे आप इसको आगे लें राइट अप में लेके जाएं, और अल्लाह खैर करे। और ये फ्रॉड में राइट अप करते करते कितने दिन लग जाएंगे तकरीबन यार? ये अगर आप जिस तरह का एनालिसिस के पोर्शन तक आ गए हो ना, ये तो मेरा ख्याल है कि एक दिन भी अगर आप लगा लेना, क्योंकि मेन आपका लिटरेचर रिव्यू वगैरह बाकी तो लिखा तो हुआ है ना इससे पहले तक एनालिसिस से पहले, हाँ तो फिर एक दिन आपके लिए इनफ है, मतलब आप 4-5 घंटे बैठ के लिखते लिख लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेबल लिख के और उस टेबल को एक्सप्लेन करना है उसकी मेन मेन वैल्यू, बस तकरीबन एक दो दिन का काम है। दो दिन कर लें अगर आप, क्योंकि आपका भी फर्स्ट टाइम है दो दिन, लेकिन ये करें इसको एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें ये है कि जितना टाइम आपके पास पहले का बचा हो ना वो उतना ही अच्छा होता है। सुपरवाइजर या वो अगर कोई चीज़ें मजीद उसको इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं ना तो आपके पास टाइम होना चाहिए। जी चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एक दो दिन में हो जाए सारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी ना भी हुआ कोई और इशू आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट जी इंशाल्लाह। फिराज भाई जी, फराज भाई एक आपसे मैंने पूछना था, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? एक सेकंड फराज भाई, स्टॉप शेयर यहाँ करता हूँ और फराज भाई एक सेकंड प्लीज, कैसे शेयर करते हैं स्क्रीन? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, SPSS statistics output। फराज भाई आप देख सकते हैं? Started sharing उसने कहा तो है, हाँ जी अभी आ रहा है जी। अच्छा फराज भाई इसमें बेसिकली मेरा एक डेमोग्राफिक वेरिएबल है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एग्जैक्ट उसका क्या है। जो जो सवाल है ना उसमें बेसिकली है, एक सेकंड जी इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, आप देख सकते हैं फिराज भाई? जी जी नजर आ रहा है। अच्छा ये है मेरा सवाल, द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स परमानेंटली लिविंग इन माय हाउस, ठीक है? तो इसमें मैंने बेसिकली मतलब वो टाइप कर सकते हैं कितने लोग हाउस होल्ड में रहते हैं, ठीक है? तो इसका मैं ट्रीटमेंट क्या करूं, इसलिए मुझे बेसिकली ये रेंज नहीं है जैसे बाकी क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है ना प्रॉपर, जैसे आप नीचे देख सकते हैं पंजाब सिंध, मगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि वो नंबर टाइप करते हैं, 4 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, तो इसको जी जी इसमें फिर आपको हैंड बाय हैंड लिखना पड़ेगा हर एक। इसमें मैंने अभी जैसे किया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा SPSS है तो डेटा व्यू में मैंने जो ये था कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये मैंने एज इट इज जो रियल नंबर है ना आप देख सकते हैं ये कॉलम, एज इट इज रियल नंबर मैंने एंटर किया यहाँ, मतलब कोई रेंज नहीं है या कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब इसकी आपने कोडिंग कोई नहीं की पीछे? बिल्कुल कोडिंग नहीं की मैंने, तो ऐसे सही रहेगा ये, ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ओपन ऑप्शन जो होती है ना
क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कोडिंग के मुताबिक, तो उसमें आपने फिर एंटर खुद वन बाय वन करना है या किसी और जगह पे एंटर किया हो तो सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, इसकी कोडिंग नहीं है। ये सेम टू सेम जो उनका एक्चुअल रिजल्ट था ना कि 3 फैमिली मेंबर्स 4 फैमिली मेंबर्स, तो वो मैंने यहाँ डाला है और इसका कोडिंग मैंने नहीं किया। नहीं नहीं इसकी जरूरत ही नहीं, इसको आपने इसी तरह ही करना है क्योंकि कोडिंग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी वो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा फराज भाई ये आप देख सकते हैं मेरा कोरिलेशन का ये टेबल। अच्छा अब अभी मैंने इसको किया जैसे आपने दिखाया बताया ना मेयर को कि हमने कैसे इसको कंप्यूट करना है वेरिएबल, तो मैंने अभी फिर ऐसे ही सब किया है मैंने। तो ये आपको थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है एट फर्स्ट ग्लांस? इसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं? नहीं कोई, मुझे एक दफा बाकी भी देख लिया है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऊपर कोई भी नहीं है, बस ठीक ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डायगोनल से ऊपर अगर नहीं है ना तो फिर तो जरूरत ही नहीं है देखने की, 1 से ऊपर कोई वैल्यू ना हो। बिल्कुल अच्छा यहां ड्यूबन वाटसन मेरा 1.5 है और सिग्निफिकेंस 0.000 है, परफेक्ट है। और ये आर स्क्वायर आपका 69.69 है, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट 70%। बिल्कुल बस सिर्फ मेरा थोड़ा जो डाउट था ना वो बेसिकली यहाँ था कि वो नेगेटिव, मगर आप कह रहे हैं वो इशू नहीं है नेगेटिव वैल्यूज। नो कोई इशू। अच्छा फराज भाई, फराज भाई मैंने अभी जैसे आपने बताया था ना कंप्यूट वेरिएबल कैसे करो कि ब्रैकेट्स में प्लस 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 करके डिवाइड करो, मैंने अभी ये वो अपडेटेड टेबल है, आप इसमें एक दफा नजर लगा सकते हैं कि एंटरटेनमेंट ए और बी में कौन से चॉइस होना चाहिए, मतलब सेम मैं रखूं या वो नंबर्स थोड़े चेंज हो गए होंगे हल्का सा इस पियर्सन कोरिलेशन टेबल में? आप पहले वाला एंटरटेनमेंट ए वाला ही रखिए, ठीक है, और इरिटेशन ए भी रखूं मैं? इरिटेशन आप रखें, एक मिनट ओवरऑल देख लें ना कि ए में -1.1 है नीचे, माइनस मतलब नीचे वाला कम है, दूसरी में -2.7 है और -1.9 दूसरे वाला ठीक है, -3.4 है, -0.314 नीचे वाला कम है आप, अच्छा ऊपर है -2.3 और 2.7, अच्छा ये एक इसमें बड़ी है ऊपर छोटी है माइनस में, ऊपर -0.13 इसमें भी आप नीचे वाला रखें, नीचे वाली वैल्यू ही छोटी है। जो एंटरटेनमेंट का है मैं एंटरटेनमेंट बी रखूं? बी रखिए, बी वाला रखिए, ठीक है। और इरिटेशन में मैं कौन सा रखूं? इरिटेशन वाले में अच्छा -2.3 और ये 2.7 है, इरिटेशन वाले में भी आप बी वाला ही रखिए, वही छोटा है, ठीक हो गया। और आखिरी वाले में उसमें भी आप देखिए, अच्छा माइनस वाली देखते हैं बाकी का तो इशू नहीं था, -2.7 है ये, 3.1 है ये, -1.32 है, उसमें आप रख लीजिए ए वाला रख लीजिए, ठीक हो गया। तो एंटरटेनमेंट में बी रखूंगा, ए को डिलीट करूंगा, इरिटेशन बी रखूंगा, इरिटेशन ए डिलीट करूंगा और आखिरी में एडवर्टाइजिंग वैल्यू बी रखूंगा, ए रखें एडवर्टाइजमेंट। अच्छा हां ठीक है, बीबीए मैंने रखना है बेसिकली, बीबीए हां, उसमें भी आप पहले वाला रख लेंगे लास्ट वाला नहीं रखेंगे, ठीक हो गया, बी बी और ए, ठीक हो गया जी, मैं ये रखता हूं, बिल्कुल ठीक। हां जी अब वो कर दीजिए और बाकी आपका ठीक है, परफेक्ट बाकी ठीक है। कोई वो असल में हमने वो नेगेटिव वैल्यूज देखे तो हम परेशान हो गए थे कि वो सोचे थे इरिटेशन को निकाल दें, या वो एक और भी ऑप्शन होता है इसका नेगेटिव, वो क्या कहते हैं वो रिवर्स कोडिंग का भी एक ऑप्शन होता है, मगर उसको ना मैं छेड़ू, ना 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 मैं वो रिवर्स उस तरफ साइड पे ना जाइए, इसको भी सिंपल रखिए, डोंट, हां हां बिल्कुल बस ठीक है, वो बहुत अच्छा बहुत फिट हो गया, चलिए अब आप सेटिस्फाइड हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल आपके माइंड में इस चीज का ना फौरन क्रक से जवाब होना चाहिए, कि कई दफा वो पूछ भी लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो है वो हमने जो डायगोनल वैल्यूज थी हमारी आपस में, वो एक तो उनमें कोरिलेशन नहीं है, 1:1:1 है, और बाकी कोई भी कोरिलेशन ऐसा नहीं है जो 1 से बड़ा हो, आप देखेंगे ना कोई भी वो पॉइंट में है, 0.9 भी अगर है तो नो इशू,
ठीक है, मैक्सिमम वन है, या जो नेगेटिव है वो तो है ही उससे कम ना, और नेगेटिव में भी जो बड़ी नेगेटिव है उनको हम रिमूव कर देंगे, अगर दो वेरिएबल है एक ही तो फिर वो बड़ी वाली रिमूव कर देंगे। बिल्कुल, इसमें ये रूल ऑफ थंब होता है कि जो बड़ा नंबर हो तो मतलब स्मॉलर नंबर प्रेफरेबल है, स्मॉलर नेगेटिव में स्मॉलर प्रेफरेबल, और बड़े में वन से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, और आपस में अच्छा मतलब नेगेटिव वन इज बेटर देन नेगेटिव थ्री, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो जितना होगा वो फिर पॉजिटिव वन के करीब आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, मतलब माइनस टू इज मोर क्लोजर टू जीरो एंड वन रेदर देन माइनस एट। हाँ बिल्कुल, तो मतलब वो माइनस वाला नंबर जीरो के करीब हो तो वो बेहतर है, जो जीरो के करीब हो वो बेहतर है। और पॉजिटिव साइड में भी ऐसे ही है, पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम वन होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, क्लोजर टू वन। हाँ हाँ, क्लोजर टू वन जितना, जैसे 0.52 है बीच में कुछ, 0.6 है आपकी ना मल्टीपल वैल्यू है, बिल्कुल तो वन से ऊपर अगर नहीं है तो वो इट मींस दिस इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक हो गया जी। हाँ तो बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई। यार आप हाँ फराज भाई, फिर इंशाल्लाह अगर कोई जरूरत पड़ी फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं, जब भी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, आप अल्लाह का नाम ले राइट अप स्टार्ट करें और जो भी होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।